easiest way of learning. First of all, we study about the semiconductor and semiconductor devices, which is chapter number 16 of 12th class. So, सबसे पहले अपने इसमें अर्धचालक से पहले स्योजी कक्ष के बारे में पता होना चाहिए. तो स्योजी कक्ष क्या होता है? कोई भी परमाणु होगा, उसका सबसे बाहतम कोश या सबसे बारी कोश या सबसे बारी कक्ष क्या कहलाता है? स्योजी कक्ष. जो उस परमाणु की संयोजकता का निर्धारण करता है, मतलब उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु की संयोजकता का निर्धारण करते हैं. तो किसी परमाणु का बाहरी कोश या बाहरी कक्ष, किसी परमाणु का बाहरी कक्ष जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की संयोजकता का निर्धारण करते हैं स्योजी कक्ष या स्योजी कोश कहलाता है. आज स्योजी कक्ष के बारे में तो अपने पता चल गया, पर अब स्योजी कक्ष से क्या करेंगे? अपने स्योजी बैंड और इनके बारे में पता करना पड़ेगा. और तो स्योजी बैंड से पहले अपने बैंड का पता होना चाहिए. तो बैंड क्या होगा? कोई भी परमाणु होगा, उसके प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अलग अलग. इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण परमाणु के प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा क्या होगी? अलग अलग. और इन परमाणुओं की जो ऊर्जा अलग अलग है प्रत्येक कक्ष की, इन्हें क्या कहते हैं? अपने ऊर्जा स्तर या ऊर्जा तल. तो प्रत्येक परमाणु के प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण उनकी ऊर्जा क्या होती है? अलग अलग, जिन्हें ऊर्जा स्तर या ऊर्जा तल कहते हैं. अब प्रत्येक परमाणु प्रत्येक तत्व होगा, वो बहुत से परमाणुओं से मिलकर बना होगा, जिसके कारण प्रत्येक परमाणु पर उसके आसपास वाले परमाणुओं की ऊर्जाओं का क्या पड़ेगा? प्रभाव. आसपास की ऊर्जा, जैसे एक परमाणु उसके चारों तरफ परमाणु होंगे, तो प्रत्येक परमाणु की जो कक्ष का उन पर उसके पास वाले परमाणुओं की कक्षकों को ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण जो सभी कक्षक मिलके एक नए ऊर्जा तल का निर्माण करेंगे, जिन्हें क्या कहेंगे? अपने बैंड कहेंगे, ऊर्जा बैंड कहेंगे. जैसे तत्व के सभी परमाणुओं के जो पहले कोश मिलके जिस ऊर्जा बैंड का निर्माण करेंगे, उसे कहेंगे प्रथम ऊर्जा बैंड. और द्वितीय परमाणु सभी परमाणु द्वितीय कक्ष सभी परमाणुओं के मिलके जिस ऊर्जा बैंड का निर्माण करेंगे, उसे द्वितीय ऊर्जा बैंड कहेंगे. और तृतीय कक्ष, मतलब सभी परमाणुओं के तीसरे कक्ष मिलकर जिस ऊर्जा बैंड का निर्माण करेंगे, उसे तृतीय ऊर्जा बैंड कहेंगे. ये अपने चलता रहेगा और लास्ट में कहां पे समाप्त होगा? स्योजी बैंड पर जाकर. स्योजी बैंड का निर्माण किससे होगा? जो सभी परमाणु होंगे उनके सभी के स्योजी कक्ष मिलकर किसका निर्माण करेंगे? स्योजी बैंड का. स्योजी बैंड के ऊपर ऊर्जा का एक अन्य बैंड होता है, जिसे कहते हैं अपने ऊर्जा अंतराल या वर्जित ऊर्जा बैंड. इस बैंड के ऊपर एक और ऊर्जा का बैंड होगा, जिसे कहते हैं चालन बैंड. जिसे क्या कहते हैं? चालन बैंड. तो अब अपने बैंड पता चल गई. इसमें मुख्य है संयोजी बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल या
या अपने कहेंगे ऊर्जा अंतराल, या जिसे कहते हैं फोर मिनट बैंड, इसके ऊपर होगा चालन बैंड। तो अब इसमें सबसे पहले अपने पता होना चाहिए स्यूजी बैंड क्या होगा, कि सभी परमाणु हैं उनके सबके स्यूजी कक्ष से हैं, वो मिलकर किसका निर्माण करेंगे, स्यूजी बैंड का। अब वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, स्यूजी बैंड के ऊपर ऊर्जा का एकांक बैंड होगा, जिसे क्या कहेंगे वर्जित ऊर्जा बैंड। और ये किसका निर्धारण करता है, स्यूजी बैंड से इलेक्ट्रॉनों को चालन बैंड में जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो कौन निर्धारित करेगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल या वर्जित ऊर्जा बैंड। और वर्जित ऊर्जा बैंड के ऊपर एक अन्य बैंड होता है जो क्या होता है चालन बैंड। अब ये तो अपने किसी परमाणु या तत्व के जो अपने बैंड वगैरह उनके बारे में पता चल गया। अब इस बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक अर्ध चालक और कुचालक पदार्थों की व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है उसे अपने समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है कुचालक, तो कुचालक पदार्थ कौन से होंगे, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। एग्जाम्पल कौन से हैं, लकड़ी होगी जैसे अपने, हीरा हो गया, पत्थर हो, ये क्या है कुचालक पदार्थ। अब कुचालक पदार्थ का अपने बैंड सिद्धांत के आधार पर कैसे एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, जो कुचालक पदार्थ होंगे उनमें जो स्यूजी बैंड होगा पूरा भरा होगा। तो स्यूजी बैंड में जो कुचालक पदार्थ उनका स्यूजी बैंड पूरा भरा होगा। इसके अलावा इनकी जो चालकता होती है, चालकता इसका मान होता है 10^-11 से 10^-18 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और प्रतिरोधकता क्या होगी इनकी, जो प्रतिरोधकता वो जस्ट इनके अपोजिट होगी, वो कितनी होगी 10^11 से 10^18 ओम मीटर, ये इसकी प्रतिरोधकता होगी। तो कुचालक पदार्थ के जिनका स्यूजी बैंड पूरा भरा होगा इनकी चालकता 10^-11 से 10^-18 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगी, प्रतिरोधकता 10^11 से 10^18 ओम मीटर होगी। और इसके अलावा इसमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल ईजी होगा या एनर्जी गैप ईजी होगा, इसका मान क्या होगा 3-7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा। इसका जो एग्जांपल है अपने वो है एक बढ़िया हीरा है जिसके लिए ईजी की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, मतलब उसमें स्यूजी बैंड और चालन बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होगा वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। तो जो अपने कुचालक पदार्थ होते हैं जैसे ही हो गया अपने स्यूजी बैंड ये चालन बैंड, अब स्यूजी बैंड की ऊर्जा होगी ईबी एनर्जी ऑफ वैलेंसी बैंड, और चालन बैंड की ऊर्जा होगी ईसी एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, और इसके बीच में जो ऊर्जा अंतराल ईजी होगा ये कितना होगा 3-7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा। तो ये हुआ कुचालक पदार्थ। तो कुचालक पदार्थ कौन से होंगे, स्यूजी बैंड पूरा भरा होगा, चालकता 10^-11 से 10^-18 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगी, प्रतिरोधकता इसके अपोजिट होगी मतलब 10^11 to 10^18 ओम मीटर मतलब इसका इनवर्स होगी, और वर्जित ऊर्जा अंतराल 3-7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा। इसका एग्जांपल है हीरा जिसके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब अपने दूसरा क्या प्रकार पदार्थों का अर्धचालक, तो अर्धचालक कौन से पदार्थ होंगे, अर्धचालक पदार्थ होंगे इनमें भी क्या होगा स्यूजी बैंड पूरा भरा होगा, स्यूजी बैंड क्या होगा पूरा भरा होगा,
इसमें जो वर्धित ऊर्जा अंतराल ईजी का मान है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, कम होगा, या फिर अपने लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, ये इसके इक्वल होगा। और इसके लिए जो चालकता का मान होता है सिग्मा की वैल्यू होती है वो होती है 10^-6 से 10^5 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जो प्रतिरोधकता की वैल्यू होती है वो जस्ट इसके अपोजिट कितनी, 10^6 से 10^-5 ओम मीटर, ये होगी इसके लिए प्रतिरोधकता की वैल्यू। तो अर्धचालक कौन से होंगे बैंड सिद्धांत के अनुसार, जिनमें सीओजी बैंड पूरा भरा होगा, वर्धित ऊर्जा अंतराल का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उसके कम होगा, चालकता 10^-6 से 10^5 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगी, प्रतिरोधकता होगी 10^6 से 10^-5 ओम मीटर। अर्धचालक क्या होंगे, 0 केल्विन टेम्परेचर पर या 0 केल्विन ताप पर पूर्णतः कुचालक होंगे, परंतु जैसे जैसे इनका ताप बढ़ता है तो उनके सीओजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती जाती है जिसके कारण इनमें चालकता का गुण आ जाता है। इनके एग्जांपल है जैसे अपने सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए वर्धित ऊर्जा अंतराल की वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलियम आर्सेनाइड के लिए वर्धित ऊर्जा अंतराल की वैल्यू होती है 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कुछ एग्जांपल है अर्धचालक के। और जैसे अपने अर्धचालक है इसमें ये हो गया सीओजी बैंड, चालन बैंड, ये होगी सीओजी बैंड की ऊर्जा ईवी, चालन बैंड की ऊर्जा ईसी, और इसमें जो वर्धित ऊर्जा अंतराल होगा इसकी वैल्यू होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। तो ये रहा अर्धचालक, इनमें सीओजी बैंड पूरा भरा होगा, वर्धित ऊर्जा अंतराल की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, चालकता होगी 10^-6 से 10^5 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, प्रतिरोधकता होगी 10^-6 से 10^-5 ओम मीटर। ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर पूर्णतः कुचालक होते हैं। इनमें सीओजी बैंड और चालन बैंड के मध्य जो वर्धित ऊर्जा अंतराल होगा वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, और इसके एग्जांपल है सिलिकॉन जैसे उसमें ईजी की वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम जिसमें 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और गैलियम आर्सेनाइड के लिए होती है 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था पदार्थों का दूसरा प्रकार। अब बैंड सिद्धांत के आधार पर चालकों की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। तो चालक पदार्थ कौन से होंगे, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह हो वो क्या कहलाते हैं, चालक। बिल्कुल सुगमता से आसानी से इसमें धारा का प्रवाह होता है। इनके एग्जांपल है धातु वगैरह, इनमें क्या होता है धारा का प्रवाह आसानी से होता है। और एक मेन बैंड सिद्धांत के आधार पर अपने बता सकते हैं कि इनमें जो सीओजी बैंड होगा वो क्या होगा, अधूरा भरा होगा। सीओजी बैंड इनमें क्या होगा, अधूरा भरा होगा, और इसमें सीओजी बैंड और जो चालन बैंड होंगे इन दोनों का क्या होगा, आपस में अतिव्यापन। जैसे ये सीओजी बैंड है और ये चालन बैंड, इन दोनों का अतिव्यापन होता है जिसके कारण जैसे इसे एक्सटर्नल सोर्स से बाहरी ऊर्जा स्रोत से या बैटरी से जोड़ते हैं तो इनमें धारा का प्रवाह होने लग जाता है। इसके एग्जांपल है जैसे अपने सोना, एयू मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, ईटीसी, ये सारे क्या हैं, चालकों के एग्जांपल हैं। तो क्या वो अपने सबसे पहले पढ़ा सीओजी कक्ष क्या है, फिर अपने ऊर्जा बैंड पढ़ा, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या की। तो अब हम कल अर्धचालक पदार्थ तथा उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।